दूरों हाथ उठा के और जतेक दूर दूर तक आज एक कार्यक्रम में मोर निगाह जाते ऐसे लगते कि पंडरिया विधानसभा के इतिहास के आज तक के सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और अतेक बड़ संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में पंडरिया और कवर्धा क्षेत्र के हमर ग्रामीण क्षेत्र के जनता पहुंचे हैं, दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन करना है। और ओखर बाद जयकारा लगाकर, भारत माता के जयकारा लगाकर एक कार्यक्रम में बोलो भारत माता की। अब आप मन चुप रहो, हमार दीदी मन बैठे हैं और मैं देखा रहो जतेक संख्या आज मोर भाई मन के है लगभग ओखर या ओखर से ज्यादा संख्या मोर दीदी मन के है। आप मन से मैं बोलना चाहता हूं, एक बार ताकत दिखाओ अपन महिला शक्ति के, भाई मन से ज्यादा आवाज आना चाहिए, बोलो भारत माता की, भारत माता की। नारी शक्ति के ऐतिहासिक स्वागत के बाद आज मैं पूरे गर्व से कहना चाहता हूं कि पंडरिया विधानसभा के विकास के कार्य पिछले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो हुए हैं, ओखर से पहले भी अपन प्रदेश में 55 साल 50 साल कांग्रेस पार्टी राज करे रहीस। अब ओखर उपलब्धि रहीस कि पंडरिया क्षेत्र ला प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र में गिना जाए, ये उपलब्धि कांग्रेस सरकार के रहीस। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरा प्रदेश के सबसे विकसित विधानसभा में यदि गिनती आई तो अपन पंडरिया क्षेत्र के भी नाम उमा आई। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के हम स्वागत और अभिनंदन करतन। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय प्रभारी मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय महेश गागड़ा जी, जो वनांचल क्षेत्र से आते और मैं ओखर उद्बोधन सुनत रहे हूं, जंगल में ट्राइबल भी रही थे और जंगल में टाइगर भी रही थे। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे ऐसे जंगल के शेर, हमारे क्षेत्र के प्रभारी मंत्री आदरणीय महेश गागड़ा जी के हम स्वागत और अभिनंदन करतन। मंच पर उपस्थित हमारे विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव आदरणीय मोतीराम चंद्रवंशी जी, मंच पर उपस्थित हमर कवर्धा के विधायक अशोक साहू जी, संतोष पांडे जी, रामकुमार भट्ट जी, डॉक्टर सियाराम साहू जी, संजय श्रीवास्तव जी, सुभाष राव जी, विशेश्वर पटेल जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा जी, संतोष पटेल जी, अनिल सिंह जी, गोपाल साहू जी, मधु बर्मन जी, शांति ध्रुवे जी, भेलीराम चंद्रवंशी जी, मंजू ठाकुर जी, रामस्वरूप साहू जी, रिद्धराम श्याम जी, रामकिंकर वर्मा जी, कल्याण सिंह जी, रामचंद साहू जी, बालाराम चंद्रवंशी जी, रोहित भास्कर जी, बाबूलाल चंद्राकर जी, लालजी चंद्रवंशी जी, ज्योति चंद्राकर जी, पुष्पा पांडे जी सहित जतेक हमारे कार्यकर्ता हुए अतिथि मनाए हैं, सबके जोरदार ताली बजाकर स्वागत और अभिनंदन है। पंडरिया क्षेत्र के जब मैं पुराना गांव के सियान मन से बात करता हूं तो मोला बताते हैं कि एक समय पंडरिया क्षेत्र की स्थिति ऐसे रही कि जब हमला कवर्धा से पंडरिया और पंडरिया से मान लो दलदली जाना हो या फिर हमला मुंगेली जाना हो, लोरमी जाना हो, तो अपन गाड़ी में हमन कुदाली लेकर चलन। काबर रोड अधिक खराब रहे कि कई बार जब गाड़ी नहीं निकले तो कुदाली से रोड ला ठीक करे के आवश्यकता महसूस हो। ऐसा क्षेत्र में आज लगातार चाहे प्रतापपुर फास्टरपुर मार्ग के सड़क हो, चाहे पंडरियाला लोरमी से पंडरियाला मुंगेली से जोड़े के बात हो, और हाल ही में एक बहुत बड़े उपलब्धि हमला केंद्र शासन से आदरणीय नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से मिले हैं, पंडरिया से बजाक वो खर आगे शहडोल जाए के जो मार्ग अति खराब रही ओला सुधारे के लिए और बढ़िया सड़क चौड़ा बनाए के लिए 128 करोड़ के स्वीकृति मिले हैं। जोरदार ताली बजाकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आदरणीय हमर नितिन गडकरी जी के स्वागत करथन। आज आदरणीय नितिन गडकरी जी के जन्मदिन भी है, जन्मदिन के अवसर पर ऐसा उपलब्धि दे है ओखर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शक्कर के कारखाना अपन पंडरिया क्षेत्र में 165 करोड़ के लागत से खुलना, एक महत्व
165 करोड़ नहीं है, पंडरिया क्षेत्र के और कवर्धा क्षेत्र के लाखों किसान आज अपन अपन खेत में गन्ना उगाकर अपन आर्थिक रूप से मजबूती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिशा में आते एक संवेदनशील कदम कि पूरा प्रदेश में यदि कोई एक जिला है जहां पर दूषक करके कारखाना है तो हमन गर्व के साथ कह सकत हन कि कबीर धाम जिला में कवर्धा उपंडरिया दोनों क्षेत्र में एक एक शक्कर कारखाना है। जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के हम स्वागत और अभिनंदन करथन। चाहे घोघरा डायवर्सन के बात हो, घोघरा डायवर्सन के अलावा अन्य सिंचाई विभाग के अनेक योजना के स्वीकृति हमला मिले हैं। एकर अलावा कुंडाला तहसील कुंडा के आसपास के 25 से ज्यादा गांव ला रूर्बन योजना में शामिल करके हर गांव में पेयजल, हर गांव में नाली, हर गांव में सड़क, हर घर में बिजली और ओखर साथ बड़ा बड़ा सामुदायिक भवन के व्यवस्था। ओखर अलावा गांव में महिला मनला समूह बनाकर कैसे हम कचरा के माध्यम से अपन क्षेत्र ला साफ भी रख सकथन और ओखर माध्यम से स्वरोजगार भी पा सकथन, ऐसे अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत होते हैं। आज मुला ये बतात हुए भी खुशी है हमर कोई कुकदूर ओखर ऊपर के बैगा आदिवासी मन घलो यहां आए हैं। कभी कल्पना नहीं रही इसकी कोई कुकदूर जैसे क्षेत्र में महाविद्यालय के कोई कल्पना करके ओला साकार कर सके थे। मुला खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आगामी सत्र से कोई कुकदूर में भी अपन महाविद्यालय की शुरुआत हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी के करथन। 500 सीटर छात्रावास विकास के ऐसे सौगात है कि मोर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता शान के साथ और पूरे गर्व के साथ ये बात के जवाब दे सका थे कि कांग्रेस के 50-55 साल के कार्यकाल पर भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम भारी है, जनता के हित में है, एक एक जनता के समस्या ला परेशानी ला समझकर ओला मजबूत करे के एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करत है। मैं आज तहे दिल से सबो के स्वागत अभिनंदन करत हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत स्वागत करत हुए अपन वाणीला विराम देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी। और अब हम उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं